हम लोग मोस्ट ऑफ़ द केसेस हमारे साथ क्या होता है हमारे पास कोई बराबर ऐसे अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी बोल रहे कहीं बराबर लोग नहीं होते हम बताने के लिए कि आगे क्या करना है क्या नहीं तो हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम हम हमला कुछ भी ऐसा uh, उल्टा पुल्टा आउटपटंग उल्ट चीज़ें देखने में निकल जाता है तो मैंने सोचा कि आप लोग इतना टाइम वेस्ट करते ही कॉलेज में इतना सारा टाइम रहता है अपने पास तो इससे अच्छा कुछ अच्छा मूवीज वूवीज देख लेंगे ना तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में ऐसी मूवीज और ऐसे कुछ बताऊंगा मूवीज और वेब सीरीज इसमें सब कुछ मिक्स है जो कि मैंने देखे थे दे और वो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि यार अभी 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 ये सब ये सब सही है अभी ये सब गलत जा रहा है अभी क्योंकि हमने हम लोग कहाँ से सीखते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में हम जो देखते हैं वही हम सीखते हैं आप लोगों ने तो सुना ही होगा जो हमें दिखता है वही हमारे अंदर से निकलता है तो मैंने तो क्यों ना अच्छी चीजें ही देखी जाए वैसे भी उल्टी सीधी चीजें हम लोग देखते रहते हैं दिन भर समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा एक आ, कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा बिग बॉस का शो वगैरह देखने से अच्छा या फिर समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ वो देखने से अच्छा अच्छी चीजें देख लेते हैं ना तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कुछ ऐसी मूवीज जो देख के मुझे मोटिवेशन मिलती है मोटिवेशन मतलब ये सब जो अभी मैं कर रहा हूँ शायद वो मूवीज का भी इम्पैक्ट हो सकता है शायद आखिर ये बहुत सारी चीजों ने इम्पैक्ट डाला है तो आ, कुछ परसेंट मूवीज का भी होगा एम sure इसके बारे में तो चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पीपीटी में देखो ये सब मूवीज ना मैं बताना चाहता हूँ कि आ, ये सब मूवीज अकेले में देखो तो ज्यादा अच्छा है ठीक है <laughs> तो आ, हम लोग आ जाते हैं देखो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर तो देखो मूवीज़ दैट चेंज माई माइंड तो देखो मेरा माइंड तो पहले से आ, देखो हम लोग कहाँ से ग्रो होते हैं ठीक है थीक? हम लोग ग्रो जो होते हैं बचपन से हमारे ऊपर जो कंडीशनिंग होती है या फिर हमारे ऊपर हम जो भी एटमोसफियर में ग्रो हुए हमारे पेरेंट्स कौन से कैसे हमें, हमारे ऊपर इफेक्ट डालते हैं वो सब चीज़ें तो ठीक है लेकिन अगर हमें कुछ ऊपर या बड़ा करना होता है ना तो हमें उस लेवल का माइंड सबसे पहले अच्छी होता है तो उस लेवल का माइंड सेट करने के लिए हमें हमारे पास कोई ऐसे लोग तो है नहीं हमारी फैमिली में होंगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं है तो हमारे पास मूवीज़ ही अच्छी बेस्ट है तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं आगे तो देखो इसके ऊपर मैं सबसे पहले आ, मैं तीन से चार टॉपिक्स में इस वीडियो मूवीज को, आ, को आ, क्लास करता हूं सबसे पहला स्टार्टअप्स जो वो जो कोई स्टार्टअप्स करना चाहते हैं उस मूवीज़ के ऊपर जो अब तक के सबसे बेस्ट स्टार्टअप्स है जो जिसके ऊपर मूवीज़ बन चुकी है और दूसरा है स्टॉक मार्केट जहाँ की अभी मैं इन्वेस्ट करता हूँ और आप लोगों को शायद पता होगा मेरी वेब सीरीज़ के वजह से और फिर चौथा है रियलिटी दैट इज़ रिलेशनशिप्स के ऊपर जो भी हम लोगों का अभी तक बॉलीवुड ने कचरा दिखाया है हम लोगों को वैसा होता नहीं है ठीक है और मैं एक रियलिटी बेस रियलिटी ग्राउंड रियलिटी पता ही नहीं होती कि ये सब चीज़ें काम कैसे करती है हम लोग खाली बॉलीवुड में दिखाते राजा मिल गया एक गरीब घर गर का राजा उठा लिया और सॉरी एक अमीर घर का लड़का उठा लिया लड़की उठा ली और हम जाकर उससे शादी होगी उसके बाद तो कोई दिखाता ही नहीं है ना मैं बताता हूँ उसके बाद बहुत मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है रिलेशनशिप देखो दो ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं हमारी लाइफ के एक तो करियर और दूसरी होती है रिलेशनशिप्स कैसे एग्जाम्पल से बताने की शुरुआत करूँ इमेजिन थर्टी ईयर्स फॉरवर्ड आज से तीस साल बाद थोड़ा इमेजिन करो मेरे साथ इमेजिनेशन का स्ट्रांग रखो थोड़ा आज से तीस साल बाद आप शायद एक किसी और के साथ रह रहे हो आपकी शादी हो चुकी होगी शायद मैं ऐसा गिन के चलता हूँ और आपको शायद आपकी एक अच्छी खासी प्लेसमेंट होगी आपका स्टार्टअप होगा तो देखो सुबह आप उठोगे सात बजे सात बजे उठने के बाद आप सबसे पहले किसकी शक्ल देखोगे ऑब्वियसली अपने पार्टनर की तीस साल बाद की बात कर रहा हूँ मैं ऑब्वियसली अपने पार्टनर की या शायद अपने माँ बाप की किसी की तो देखोगे मोस्ट ऑफ द केसेस में अज्यूम करके चलता हूँ कि आप आपकी पार्टनर की देखोगे आप जाओगे साढ़े आठ या नौ बजे ऑफिस में आप कहाँ गए ऑफिस में कौन सा कौन से हिस्से में आया वो करियर में आया तो करियर आप सुबह सात बजे आप रिलेशनशिप से सात से साढ़े आठ आप रिलेशनशिप के इसमें आ, 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 आ इस गए कंपार्टमेंट में और एट थर्टी तो आप समझो मान लो आप छह बजे तक शाम को आठ बजे तक काम करते हो रात के या फिर दोपहर के छह बजे तक तो अपने दिन के आठ से नौ घंटे आपने लगा दिए करियर के ऊपर दिन के आठ घंटे आप लगा रहे हो करियर के ऊपर तो कौन सा हुआ सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिसीजन करियर और दूसरा आप थका आप घर पे आ रहे हो तो कौन सा हुआ सेकेंड डिसीजन घर पे अगर आपको पार्टनर ही नहीं है आपको अच्छा खासा समझने वाला या फिर आपको जैसा चाहिए वैसा या फिर घर पे आने के बाद आपके अलग ही झगड़े चालू होते हैं तो कौन सा सेकेंड पार्ट हुआ रिलेशनशिप अगर ये दोनों अगर आपके बेस्ट हो ना तो बॉलीवुड से अगर आप ये दोनों देख के सीख रहे हो तो आप बहुत गलत गलत सीख रहे हो इसलिए समझ जाओ थोड़ा और चौथा है अपना नन दई फेवरेट साइंस फिक्शन मूवीज देखो साइंस फिक्शन तो सबकी फेवरेट होती है और मेरी भी है तो यहाँ पे मैंने कुछ अच्छा खासा पोस्टर बनाया है तो चलते हैं आगे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने एंटोप्रीनोरशिप दैट इज स्टार्टअप्स के ऊपर स्टार्टअप्स देखो ये मूवीज है स्टार्टअप्स के ऊपर द फाउंडर दैट इज ये मैकडॉनल्ड्स की स्टोरी है मैं आपको इस वीडियो में कोई भी ब्लूपर्स नहीं दूंगा मूवी के बारे में आपको देखने दे दो, दो क्योंकि एक इंटरेस्ट या मज़ा ख़त्म हो जाता है उसके बारे में द फाउंडर दैट इज़ फेसबुक के ऊपर है नहीं ये मैकडोनल्ड्स के ऊपर है द सोशल नेटवर्क दैट इज़ ये फेसबुक के ऊपर है मार्क जुकरबर्ग के बारे में मनी बॉल मनी बॉल एक ऐसी मूवी है जिसने पूरे गेम को बदल दिया था और आज भी हमारे क्रिकेट uh, वगैरह में उसी का काम चलता है ठीक है नो ब्लूपर्स ओके कैच मी इफ यू कैन कैच मी इफ यू कैन और दिएशंस ये दोनों एक ही एक्टर्स के मैं नाम ले लूँगा क्योंकि देखो कैच मी इफ़ यू कैन एक ऐसी मूवी है जो मुझे बताया जिसने मुझे ये सीखा है कि हर बार आप सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से नहीं चल सकते अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है और आपको फिर भी वो करनी है तो उसके अलग तरीके भी होते हैं हालांकि उसने गलत तरीका था बट फिर भी तरीका एक हो सकता है और डी एवियशंस मोस्ट ऑफ फेवरेट अगले टॉपिक के ऊपर जाते हैं हम और वो है शेयर मार्केट दैट इज स्टॉक मार्केट के ऊपर स्टॉक मार्केट के बारे में देखो स्टॉक मार्केट के मेरे, मेरे सबसे पहले तो मेरा इंटरेस्ट आ था मूवीज की वजह से तो हम जाते हैं उसके मूवीज के ऊपर उल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट मोस्ट फेमस एंड द मोस्ट रेटेड मूवी बॉयलर रूम बॉयलर रूम कोई रेट नहीं करता है बट ये एक अच्छी मूवी है मेरे हिसाब से देखनी चाहिए आप लोगों को अगर मार्केट के बारे में सीखना ही है तो इससे बॉयलर रूम से आपको देखिए ये पता चलेगा कि आपको क्या नहीं करना है स्टॉक मार्केट में <laughs> और द बिग शॉट ये ऐसी मूवी है जो मैं पाँच छह बार देख चुका अभी मैंने एक हफ्ते पहले और एक बार देखी क्यों क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टर्म्स है जैसे मोल्टेजेस मॉल्टेज हो गए ट्रिपल एरिएस बॉन्ड सर्टिफिकेट, अभी तक मेरे को आधे चीज़ें समझ नहीं आती है फिल्म मैं बार बार देखता जाता हूँ ताकि बहुत सारी चीजें समझ में आ जाए अभी मेरे को अच्छी खासी पूरी मूवी समझ में आ चुकी है फिर भी मैं और बार देखना पसंद करूँगा क्योंकि ज्यादा बार देखने से मेरे कंसेप्ट क्लियर होते हैं और टू विक टू फेल या ऐसी मूवी जो टू में क्रैश आया था ना बना इकोनॉमिक क्रेश ये दोनों मूवीज उसी को डिपेक्ट करती है दैट इज द बिग शॉट एंड टू विक टू फेल ये दोनों मूवीज उसी के बारे में है उसके बारे में पूरा बताती है और उसके बाद आता है मोटिवेशन मोटिवेशन में देखो कभी कभी हमारा मूड ऑफ रहता है कभी कभी कुछ काम करने का मन नहीं करता तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मूवीज़ देख के काम करने लग जाओ ये एक गलत आपके ब्रेन के टाइम ब्रेन को आपको गलत सीख दे रहे हो फिर कि मैं मूवी देख के काम करने लग जाओ तो कुछ ऐसी मूवीज जो आपको शायद रियलिटी के साथ थोड़ा मैच करवा दे और वो है ये द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस ये मूवी सबने देखी होगी और इसका नाम तो सुना ही होगा द पर्स्यूट ऑफ हैप्पीनेस और उसके बाद है द ब्यूटीफुल माइंड ये वन ऑफ़ द बेस्ट मूवीज है जो मैंने अभी तक देखी है और ये मूवी का जो लास्ट तक ये लोग ने सस्पेंस बना के रखा है बीच में एक अलग ही ट्विस्ट आता है मूवी के जो सही मूवी और इसका जो सही डायरेक्शन है मूवी का बहुत मजा आ जाता है ये मूवी देखने में ये मूवी देखने में क्योंकि ये एक औरजिनल रियलिटी बेस्ड मूवी है उसका नाम मेरे जॉन कुच जॉन कुच तो है उसका नाम Uh, उस मैथमेटिशियंस के ऊपर मूवी है ये और मैं प्लीज़ कुछ नहीं देख रहे हूँ तो ये मूवी ज़रूर देखना तो ब्यूटीफुल माइंड बहुत मोटिवेशन मिलेगा और उसमें उसको कुछ हेलुसिनेशंस uh, होते हैं और वो हेलुसिनेशंस के साथ वो जिंदगी भर जीता है बट फिर भी वो नोबल प्राइज मिलता है उसको ठीक है वो अलग प्राइज़ है ठीक है वो अलग बाद में बताऊंगा और फिर आती है फॉरेस्ट गम फॉरेस्ट गम पे एक ऐसी मूवी है आ, वो हमारे सारे जो भी तक हमारे हमारी सोसाइटी में हमें, हमें हमने जो नॉर्म्स सिखाए होते ना वो सबके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने में आप लोगों को मजबूर कर देगी फॉरेस्ट गम्फ में क्या होता है कि उसमें एक ये होता है जो किसी भी चीज़ को ना नहीं करता मतलब उसके लिए हर एक चीज़ एक आ, मजा आ जाती है मतलब वो हम आर्मी में चला जाएगा क्योंकि क्यों उसका क्यों क्यों वहाँ पर दोस्त है वो मिलियन डॉलर्स का स्टार्टअप कर देगा लेकिन उसको फ़र्क ही नहीं पड़ जाएगा क्यों क्योंकि वो कुछ अलग ही करते जा रहे हैं कुछ शम्स का उसने कुछ बिजनेस किया था तो ये ऐसी मूवी है जो आपको कुछ भी करने से आपको मोटिवेशन मिल जाएगा ये मूवी में कि कैसी चीज़ है और 2012 थाउजेंड ऐसी मूवी है 2012 तो आप लोगों ने देखी होगी शायद मेरी ये फेवरेट मूवीज़ में है 2012 इसका जो एनिमेशन यूज़ हुआ है जो डिस्ट्रक्शन को वर्ल्ड को खत्म करते टाइम जो 2012 में अफवाह आई थी कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी तो उसके बारे में ये मूवी है तो 2012 एक ऐसी मूवी है जो मुझे बहुत पर्सनली अच्छी लगती है ये मूवी मुझे ये बताती है कि कभी भी दुनिया ख़त्म हो सकती है तो जो करना है वो जल्दी जल्दी करते जाओ ठीक है और अगले बार में आते हैं हम रिलेशनशिप के ऊपर जो कि अपना है सेकेंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ और उसके ऊपर ये मूवीज़ है इतने सारी है क्यों क्योंकि मेरे पता नहीं मैंने इतनी सारी की देखी लेकिन देख ली द स्पेक्टेकुलर नाव तगड़ी मूवी है द बॉयज़ लाइफ तगड़ी है फिर से मजबूत वाली है देखो ये सब मूवीज बहुत सही है और ही इज नॉट इन टू यू का एक ऐसी मूवी है देखो हम लोग क्या करते हैं कॉलेज में मोस्ट ऑफ द लोग शायद मैं आप लोगों की स्टोरी बताता हूँ कि अगर कोई हमें मना कर देता है फिर इज कर देता है तो हम लोग उसके पीछे पाकते रहते हैं कि आज मना किया दो बार मना किया तीसरी बार तो हाँ बोलेगा तो ये मूवी उसी के ऊपर है कि अगर वो तुम्हारे अंदर इतना नहीं है इज नॉट इन टू यू तो क्यों उसके पीछे पड़ना है ना अगर उसने पहली बार रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्शन ही सही फिर हमें क्या फर्क पड़ता है एक नहीं दो है दो नहीं तीन है क्या फर्क पड़ता है इतने 1.5 पॉइंट बिलियन की हमारी पॉपुलेशन है तो ये एक मिसकनसेप्शन है कि एक बार हाँ नहीं किया तो क्या हुआ सेकेंड बार हाँ कर देगी तीसरे बार हाँ कर देगी तो ये सब मूवीज़ वही ये हमें बॉलीवुड ने सिखाया होता है ठीक है कहीं ना कहीं हमारे पर तो रिलेशनशिप्स बॉलीवुड के अगर बॉलीवुड अगर रिलेशनशिप में बेस्ट बनना है तो बॉलीवुड के मूवीज़ फॉलो करना इज़ द वर्स्ट डिसीजन जो आप लेने वाले हो शायद और ये द ब्रेकअप द ब्रेकअप जो है वो अच्छी मूवी है क्योंकि मुझे नहीं पता मैंने आप लोगों को बताना चाहूँगा द फर्स्ट टाइम एक ऐसी मूवी है जो आप लोगों को एकदम रियलिटी के साथ वाकिफ़ कर देगी जो भी आपके मिसकनसप्शन होंगे उसके बारे में तो वो सब ब्रेक कर देंगे वो वो मिसकनसैप्शन क्योंकि मैं इस बता नहीं सकता इस वीडियो में और द सिल्वर लाइनिंग प्ले ये एक बुक के ऊपर बेस्ड है और अच्छी मूवी है जस्ट वो दोनों पागल कुछ होते हैं पागल नहीं होते उनके ब्रेन में आ, उनके ब्रेन में कुछ तो दोनों के साथ कुछ इंसिडेंट हुआ जाता है उनके लाइफ में बहुत सारा ट्रॉमा होता है पहले तो इसके वजह से उनको सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है और फिर वो दोनों एक हो जाते हैं ऐसा कुछ मूवी है मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं और फिर नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आते हैं अपना साइंस फिक्शन मेरा फेवरेट फिक्शन और इसमें बहुत सारी मूवीज़ है ठीक है इंडस्ट्रियल जो आप लोगों ने देखी होगी और सुनी भी होगी बहुत सी मूवी और फिर उसके बाद आती है ग्रेविटी उसके बाद ग्रेविटी ग्रेविटी आप लोगों को पता होगा जो स्पेस में शूट हुई है ऐसा मैंने सुना है मार्शियन जो एक आदमी मार्स के ऊपर जाता है और उसके रॉकेट उसके टीममेट उसको वहीं पे छोड़ के जाते हैं तो मार्स के ऊपर जीता है पैसेंजर्स पैसेंजर्स एक लव स्टोरी बेस्ड साइंस फिक्शन फिल्म है मुझे इसकी लव स्टोरी लव स्टोरी नहीं बोला इस मूवी का जो पूरा प्लाट है एक स्पेशी मुझे स्पेशी बहुत पसंद है पैसेंजर्स की इसलिए मैं मूवी देखता हूँ प्री डेस्टिनेशन प्री डेस्टिनेशन एक ऐसी मूवी है जो आपको समझने में मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे समझने में बहुत टाइम लगाता है इस मूवी को एक ऐसा आदमी जो एक्जिस्ट नहीं करता है लेकिन टाइम मशीन की वजह से वो एग्जिस्ट करता है उसने खुद ही को जन्म दिया उसने खुदी को खुदी है उसने खुद ही को खुद ही बनाया मतलब वो उसकी वो माँ भी खुद है और वो पापा भी वो खुद ही है तो ऐसी वो मूवी है प्री डेस्टिनेशन वो बहुत कंफ्यूजिंग मूवी है मुझे पता है आप लोगों को ऐसा कैसे हो सकता है लेकिन होता है मूवी में ठीक है और ये ऐसा हो सकता है रियलिटी में भी अगर आप मूवी देखो तो आपको समझ में आ जाएगा इंसेप्शन इंसेप्शन इज वन बेस्ट मूवी बैक टू द फ्यूचर मेरे को फ्यूचर के बारे में मूवीज बहुत पसंद है तो ये मैंने बचपन में देखी हुई सीरीज थी और मेरे को अभी तक पसंद है और आपको इसमें से कोई भी मूवीज नहीं मिलता तो मेरे को बोलो इंस्टाग्राम नीचे और डीएम वीएम करो मेरे को मैं आपको भेज दूंगा मूवीज बैक टू द फ्यूचर ये एक ऐसी तगड़ी मूवी है यार मतलब इसके तीन पार्ट्स है और इसके तीनों पार्ट एक दूसरे से रिलेटेड है मजा आ जाता है यार ये मूवी देखने के बाद क्योंकि उसमें वो दो है एक जो टाइम मशीन बनाता है और जो टाइम मशीन को यूज़ करता है वो दोनों एक दूसरे को बचाने के पीछे एक एक ही लूप में फंस जाते हैं और इसमें बहुत सारे जो कंसेप्ट है साइंस के उसको एकदम सही इस्तेमाल किया गया नाइनटीन नाइनटी के होने के बाद भी बहुत सारे कंसेप्ट इसमें एकदम फ्रेश तरीके से हुए द स्पेस ब्यूटीविनस द स्पेस ब्यूटीविनर्स एक ऐसी मूवी है जो एक बच्चा होता है वो मार्स पे जाते टाइम आ, मतलब ए, ए, एक मिशन होता है जो मार्स पे जाता है और वो तब उसका बर्थ होता है उसकी बॉडी जो है वो मार्स के मार्स पर आ, रहती है और फिर बाद में वो अर्थ पर आना चाहता है क्योंकि उसने अर्थ के बारे में बहुत कुछ देखा है पढ़ा है उसके पापा अर्थ पर होते हैं उसके पापा को ढूंढना रहता है उसका उसके पापा है और यहाँ पर आने के बाद अर्थ पर वो आता है और वर्थ पर रह पर वो रह नहीं सकता क्योंकि उसकी हार्ट जो है वो मार्स पर रहने के लिए बना है आप लोग मूवी देखो आपको पता चल जाएगा और टुमारो लैंड एक ऐसी मूवी है जो कि मुझे ठीक ठाक लगी मतलब इतनी पसंद नहीं आई बट ठीक है आप देख सकते हो उस मूवी से बहुत अच्छा लेसन मिलता है और फिर उसके बाद आती वेब सीरीज़ कुछ अच्छी खासी वेब सीरीज़ है तगड़ी वाली है मेरे पास जैसे कि लिटिल थिंग्स हो गई नेटफ्लिक्स की नेटफ्लिक्स की लिटिल थिंग्स आपको रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत कुछ सिखा के जाएगी क्योंकि यार मुझे नहीं पता उसमें मिपलकर है और भ्रूव है शायद मुझे नहीं पता उसका असली नाम क्या है क्योंकि लिटिल थिंग्स नेटफ्लिक्स के ऊपर एक ऐसी वेब सीरीज़ जो देखने में मज़ा आ जाता है उसके कुछ हैं कुछ तो सीजन्स भी हैं उसके और इसी फैमिली मैन एमेजन प्राइम के ऊपर की शादी होने के बाद वाली वेब सीरीज और स्कैम 1992 नाइनटी टू क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट वाला आदमी हूं तो मेरे को नाइन नाइन टू पसंद आ गए और मेरे से कुछ मिस मिसमिज हो गया तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना अच्छी खासी बेस्ट मूवीज ठीक है और फिर हम लोग अगले पार्ट के ऊपर आते हुए कॉलेज लाइफ के ऊपर कॉलेज लाइफ के ऊपर देखो कॉलेज में बहुत सारे मिसकसेप्शन चलते रहते हैं इजी ए इज द बेस्ट मूवी आई कैन रिकमेंड फॉर द कॉलेज लाइफ देखो इजी ए में क्या बताया क्या ईजी ए में अपने कॉलेज में आप लोगों को अक्सर अफवाह सुनती आई होगी कॉलेज में कि यार तेरे को पता है गॉस चलती होती है कॉलेज में इसने ऐसा किया इसका यह बॉयफ्रेंड है इसकी ये

तो इसलिए कभी भी कहनी सुन बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए जो कि मैं भी नहीं करता मुझे किसी के बारे में कुछ सुनाया तो मैं भरोसा नहीं करता क्योंकि उसमें से आधे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो मिर्च मसाला डाल के देते हैं ना वो तो फैमिली की आदत है और किसिंग बूथ के दो सीजन्स हैं और वो दोनों भी सही है ठीक है और यही था मेरा ट्रांजेक्शन्स उम्मीद है तो आप लोग यहाँ कोई मूवीज़ मिली नहीं तो आप लोग मुझे डी वगैरह कर सकते हो डी वगैरह कर सकते हो मैं आप लोगों को मूवीज़ भेज दूंगा या फिर बता दूंगा कहाँ पर मिलती है और कचरा उचरा देखने से अच्छा कुछ भी उठ पटांग चीज़ें उल्टे सीधे चीज़ें देखने से अच्छा कुछ अच्छी खासी चीज़ें देखो आपके प्रेम के ऊपर एक बहुत तगड़ा इफेक्ट पड़ेगा मान के चलो मेरी बात ठीक है तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में ये कुछ हटके वीडियो था बताना आप लोगों को ऐसे कुछ और वीडियोज़ चाहिए क्या तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में बाय